गोंदिया शहर में पिछले 19 वर्षों से सभी धार्मिक गरबा उत्सव दुर्गा वाहिनी द्वारा मनाया जा रहा है और इस गरबा में 400 से अधिक युवा महिलाएं शामिल हुई है। साथ ही लड़कियों को महिला आत्मरक्षा की शिक्षा भी दी जाती है। नवरात्र उत्सव में गरबा और दांडिया को बहुत महत्व दिया जाता है और महिलाएं भी नवरात्र उत्सव का इंतजार करती है, क्योंकि गरबा और दांडिया खेल लड़कियां 9 दिनों तक अलग अलग पोशाक पहनती है और खेल का आनंद लेती है। पिछले 19 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद एवं मातृत्व शक्ति दुर्गा वाहिनी के तत्वावधान में गोंदिया में सर्वधार्मिक गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इन 9 दिनों में लड़कियों को आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया जाता है। वहीं दुर्गा वाहिनी की ओर से खास तौर पर हर दिन अलग अलग तरह की पोशाक में अलग अलग धर्म की थीम रखते हैं। गुजराती, बंगाली, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन, राजस्थानी जैसे ड्रेस कोड में लड़कियां यहां गरबा खेलती है। वंदना पाठक, मैं विश्व हिंदू परिषद की जिला उपाध्यक्ष हूं। से तो हमारा गरबा 19 साल हो गया है चालू होते हुए और इसका उद्देश्य ये था कि सभी धर्मों में और सभी समाज के अलग अलग लोगों में जो गरबे होते थे उसमें हमारी गरीब तबके की जो लड़कियां थी उनको एंट्री नहीं मिलता था। वो दूर से अगर देखती भी थी तो उन्हें हटा दिया जाता था वहां से। तो इसलिए हमने ये गरबा अपना चालू किया कि सभी धर्म की सभी समाज की लड़कियां यहां पर आएंगी, खेलेंगी, सबको हम लोग एंट्री देते हैं। और लगभग हम लोग मतलब पैसे की भी थोड़ी सी समस्या रहती थी, ज़्यादा फीस लेते थे तो हम लोग लगभग निःशुल्क करवाते हैं। और कल्चर हमारा सेवा सुरक्षा संस्कार जो है ये हमारा नारा है और हम उसके अंतर्गत सभी लड़कियों को सेवा भी देते हैं, सेवा करना भी सिखाते हैं और सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से उनको अपदंड है, तलवारबाजी है, ये सब भी सिखाते हैं और संस्कार भी देते हैं। कल्चर्स अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग प्रांत के कल्चर्स की उनको वे वेशभूषा में उनको गरबा करवाते हैं। जय श्री राम। मेरा नाम आरती सरई है, मैं दुर्गा वाहिनी नगर प्रमुख हूँ। गरबा स्टार्ट तो पिछले 19 सालों से चल रहा है और हमारे गरबे की स्पेशलिटी ये है कि सभी धर्म की लड़कियाँ यहाँ आके गरबा खेलती हैं, हम उन्हें गरबा खिलाते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध रखा जाता है। बजरंग दल के जो हमारे भैया लोग हैं उनकी तरफ से पूरा मतलब सुरक्षा का प्रबंध रहता है और अलग अलग थीम्स रहती हैं पर डे, जैसे पंजाबी, महाराष्ट्रियन, गुजराती, मारवाड़ी और क्या बोलते हैं बंगाली, हर टाइप की थीम्स रहती है। और अभी नया भी स्टार्ट किया है, मतलब प्रशिक्षण स्टार्ट किया है, तलवार प्रशिक्षण, दंड प्रशिक्षण, जो कि अभी लड़कियों ने प्रदर्शित किया था थोड़ी देर पहले, तो यही सब किया जाता है। इन्हीं में महिलाओं की और लड़कियों की कैसे सुरक्षा करना है वो भी सिखाया जाता है यहाँ पे, आत्मरक्षा कैसे करना है वो भी बताया जाता है। अभी नवरात्रि के बाद भी हमारी जो प्रशिक्षण है कंटिन्यू स्टार्ट रहेंगे और यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं तो सीख रहे हैं।